या किसकी बनी रहेगी। एक झूठ बोलने से चंदा किस पर आत्मा के ऊपर पर्दा आ गया, तेरे जंत आ गया। क्यों हम किसको भी ऐसा सुंदर होके दिखाएं तो मैं चोरी तो ये हमारी चीज है। ये क्यों तो दुनिया में देखो कैसे झूठ चलता है। उनसे तो पैसे तो भगवान याद नहीं है, तो वो तो जागत है। भाव नहीं व्यापे जिन्हें ऐसा किया, जिन्हें ऐसा जाना तो उठे भी भगवान से, बैठे भी भगवान से, भगवान मेरे को देख रहा। जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी आ जाती है, ऐसे अंदर आत्मा जागती है, तो आप कभी भी झूठ पाप चोरी ठगी नहीं करेंगे। पर देखो आदत जो पुरानी मंच की है, बहुत दिन की बड़ी आदत है, नबातों से बदलती है। पर जो सिर रखता है फिर भी पर उगाता जंज के लिए, जो सिर्फ हथी भी पर रखे बोले तो बस मैं फ्री होना चाहता हूँ संसार के बातों से। जो अज्ञानी करे वो ज्ञानी न करे, जो ज्ञानी करता है वो अज्ञानी नहीं कर सकता है। पर इधर अज्ञानी भी कि उस ज्ञानी के ऊपर जाए तो मैं अपने को बलिदान करेगा, पर मैं ज्ञानी इससे खत्म हूँ। तो अभी अभी तू बच जाएगा। तूने कभी बोलना ये डिफिकल्टी है, ये कठिन है, ये सब तुम्हारा विवेक बंद है जो कठिन लगता है। ज्ञान जैसी थियरी कोई नहीं है, क्योंकि प्रापक आत्मा को हम हर प्रापक क्यों माने, आत्मा को मैं न्याना क्यों जाने। जो प्रापक चीज है आत्मा उसको मैं अप्रापक क्यों माने। क्यों समझो तो भगवान बाहर है, मेरे में तू भगवान देखेगा, अपने अंदर तू न देखेगा तो क्या बात है। क्यों न देखे अपने में, क्यों ना अभी से अभी मैं विकार से छूट जाऊँ। एज द कंपनी सो द कलर, ये तो आप मानेंगे तो जैसे जैसे आप कंपनी में बैठते हैं ऐसा तो रंग लगता है ना। तो ऐसे कंपनी में, ऐसे कमरे में, ऐसे जगह में हम क्यों बैठे, जिधर थोड़ा दर्द हो थोड़ा आकर्षण हो गए तो कुछ टाइम के लिए हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए, जिधर आग ना हो। जिधर अभी देखो पानी में चलो आप जरूर नहाएंगे भी नदी में, तो समझ के नहाएंगे तो आगे जाएंगे तो फिसल जाएंगे। ऐसे संसार है फिसलने का, तो ऐसी जगह खाली क्यों बैठते हैं जिधर आपका पांव फिसल जाता है। जब देखो किसी का जहर मुंह में चढ़ता है आपको मालूम होना चाहिए सामने वाले का कुछ वाइब्रेशन इधर आने लगते हैं। मालूम पड़ता है तो अभी इसमें तो अपनी भी वीकनेस समझाए करते, तो क्यों हम अपनी वीकनेस करें, इसलिए अपनी वीकनेस करें। क्यों न हम सत में रहें, क्यों न सत का सौदा करें। खाली उस रस्ते से चलना नहीं, आपको मालूम पड़े इधर से सांप गुजरा, अगर नहीं मैं इस रस्ते में नहीं जाऊंगा। तो सांप से इतना डरते हैं पर विकारों से क्यों नहीं डरते हैं। तो जिस जगह है थोड़ा भी विकार गया चले तो मैं एकदम रास्ता छोड़ दूँ ना। ये मेरे को निर्विकारी बनने का है तो थोड़ा रास्ता छोड़ के चलने का है। उस रस्ते से चलो जितना हमको सुचारी मिले, उस रस्ते से हम क्यों जाए जिधर हमको मोह मिले, इच्छा मिले, अहंकार मिले, द्वेष मिले। क्यों ऐसी कंपनी करें जो हमारे ऊपर विकार आ जाए। विकार आपकी कंपनी से है, विकार अपने से नहीं पैदा होगा। तुम आत्मा है, तुम निर्विकारी है। जो तुम्हारे में अभी आदत पड़ी है, जब किसी के घर गए होगे, किसी बात किया होगा, किस प्रसंग किया होगा, तभी मालूम पड़ा ना। जो सच में तुम इसे सत्संग के आधार में रहो तो ज्ञान का आधार यो तो मेरे को ये डिग्री पकड़ कर रखी है। जैसे हमारा बच्चा पढ़ता है फेल होता है, अब जानते हैं ना वहाँ बी ए में पहले कैसे फेल हुआ। तुम्हारी रेंज पे रोज फेलर होती है, तुम्हारी क्यों फेलर होती है। तुम भी ऐसे विचार करो ना, बच्चे के ऊपर जानते हैं दिखाओ दिखाओ पेपर क्या करके आया दिखाओ। तुम अपना पेपर जो देखो तो तुम फेल है, तुम आत्मा जाकर तुम्हें क्यों नहीं रहते हैं। तुम समझते हैं तो भगवान ने विकार ने तरह पैदा किया पाती। तुमने भगवान को बहुत कसूर दिया है तो भगवान ने विकार पैदा किया, भगवान ने इच्छा पैदा किया, भगवान ने इच्छा पैदा किया तो ऐसी इच्छा की पैदा किया जैसे सत्संग भगवान दिए इच्छा। क्रोध बोला अपने विकारों को क्रोध करो तो अभी तक विश्वास है, अभी तक गुस्से से सुख लेता है, करो क्रोध। मोह करो अपने आत्मा से, भगवान से मोह करो। तू समझो मेरे को मोह भी करता है, मोह करो हम फ्री है मोह करो। पर आपको मालूम होना चाहिए तो दो में मोह होता है, इधर आत्मा से मोह हुआ तो तुम्हारा विकार मेरे में जल जाएगा। बड़ी करो मोह मत सुधर में, लगाओ मन मन मत सुधर में, पूरा मन लगा दियो भगवान। मोह भी करो वासना भी मेरे में रखो, पर आप देखना तो आप सजग हो जाएंगे और मैं तेरे में कसूंगा नहीं।
मैं हंसूंगा। और उधर जो अज्ञानी लोग हैं वो दोनों मोह करते हैं, ये हमारे दोनों मोह करते हैं। ये आपका गुरु सच्चा है, आप उसमें जो सच्चाई है या वो आत्मा में रहता है, तो आप कितना भी उसमें मन रखो, कितना भी चाहिए, एक तरफ का मोह काम नहीं होता, दो तरफ का मोह गलत होता है। दो जब फलते हैं तभी मोह होता है। ये एक सुझाग है तो उसको ऐसा सुझाव करेगा, क्या समझाए, जाओ अभी चले जाओ, अभी ट्रेन चार है, गेटों को इतना भगवान में पावर है जो वो किसी के देह में नहीं आता है, किसी में अज्ञान में नहीं आता है, ज्ञानी रहता ज्ञान में, आता न देह अपमान में।